हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बिगाड़ के एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में, जो 1.5 टन के एसी के लिए यूज़ किया जाता है और काफ़ी अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर है ये। मैं खुद भी इसे करीब 3 साल से ऊपर हो गए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, और इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं इसके बारे में बताऊं कि ये काफ़ी अच्छा है बिगाड़ का वोल्टेज स्टेबलाइजर जो एसी के लिए है। 1.5 टन और 1 टन के एसी के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, 2 टन के एसी के लिए इसे यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसका मॉडल नंबर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका मॉडल नंबर है ये बिगाड़ BND 400। ये इसका मॉडल नेम है BND 400। ये वोल्टेज बिगाड़ का एसी स्टेबलाइजर है। इसके बारे में बताते हैं कि स्पेसिफिकेशन कितने वोल्टेज पर काम करता है, क्योंकि हर वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है अलग अलग वोल्टेज रेंज पे काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका मॉडल नेम दिया हुआ है, और ये इसकी वर्किंग रेंज है। वर्किंग रेंज मीन्स मतलब कि ये जैसे आप देख पा रहे हैं ना कि 150 वोल्ट से 285 वोल्ट तक ही काम करता है। यानी कि अगर आपके यहाँ वोल्टेज, आप ये जान लीजिए कि करीब 170 से लेकर या 190 के आसपास अगर आ रही है, तो यहाँ पर ये सही से काम करेगा। पर अगर 150 वोल्टेज आता है तो ये सही से काम नहीं करेगा, तो ये बार बार आपका एसी उस कंडीशन में कट हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि आप कभी भी ऐसा वोल्टेज स्टेबलाइजर ना खरीद लें जो आपके एरिया में जो वोल्टेज आता है उससे आपसे कॉम्पेटेबल ना हो। यानी कि आप ये समझिए कि मान लीजिए कि आपके यहाँ 220 वोल्ट आता है, यानी कि आपके यहाँ पावर सफिशेंट आता है, तो आपको सिर्फ उसको मतलब रखना है आप एसी के लिए, ताकि एसी को किसी भी तरह का नुकसान ना हो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से, इसलिए आप स्टेबलाइजर लगाया जाता है इस कंडीशन में। तो 220 आ रहा मतलब कि आपका एसी ऐसे वर्क कर सकता है पर एसी में किसी तरह का नुकसान ना हो, इसलिए स्टेबलाइजर लगाना है। तो वहाँ पे आप इसे 1.5 टन के एसी के लिए, 1 टन या 1.5 टन के एसी के लिए आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये 150 वोल्ट, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 150 वोल्ट से 285 वोल्ट के लिए काम करेगा। तो ये बढ़िया है, किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए नहीं। इस पर लिखा भी है साफ साफ कि 1 एयर कंडीशनर अप टू 1.5 टन, मतलब 1 AC 1.5 टन तक, मतलब 1 टन भी हो सकता है वो और 1.5 टन भी हो सकता है। स्प्लिट विंडो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इसका टोल फ्री नंबर है, इसकी 2-3 साल की वारंटी होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करिएगा, तो बंदा आपके यहाँ घर पर आएगा और इसे जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेगा। हालांकि जल्दी प्रॉब्लम आती नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं पिछले 3 साल से इसे यूज़ कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। ये इसका हीट एग्जॉस्ट फ़ैन है, जो इसमें हीटिंग होती है तो उसको ये फ़ैन इसके अंदर की जो हीट है उसको बाहर निकाल देता है। ये टाइम टू टाइम खुद ही ऑन होता है, खुद ही ऑफ होता रहता है। ये इसके कनेक्शन इधर होते हैं, यहाँ से कनेक्शन इसमें कराया जाता है। तो ये आउटपुट लाइन से, ये मेरी जो एसी की लाइन आई हुई है, ये इसमें इनपुट किया गया है। ये इस तरह का होता है तार, हम लोगों के जो वायर होंगे एसी के, इसमें इन डाल दिए गए। ये लिखा हुआ है न्यूट्रल, उसके बाद में ग्राउंड होता है, ये बीच में अर्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसके बाद में होता है लाइन, सेम वैसे ऊपर गया हुआ है। और ये इसका एसी इन है, यानी कि इस वोल्टेज पे स्टेबलाइजर को हम लोग पहले एसी इन देंगे फिर ये आउट करेगा। तो वो ये हम लोगों ने लगा रखा है, ये एसी बॉक्स लगा है, एंकर का है, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है, मेटल का है, मजबूत है ये। तो ये लाइनिंग हमने कर रखी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये कितने वोल्टेज रेंज पे, या आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ जो आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू, बाय बाय।